गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर है हम लोगों का फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द सरफेस। और हमने हर प्रॉब्लम जो भी हमने इसमें किया है उसमें हम हमेशा सरफेस को क्या माने हैं, स्मूथ। उसमें हम हमेशा सरफेस को क्या कंसीडर किए थे, स्मूथ कंसीडर किए थे। लेकिन रियलिटी में हम देखें तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। परफेक्टली स्मूथ होने का मतलब क्या है कि वहां पर जो फ्रिक्शन है, वहां पर जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यदि कोई भी परफेक्टली स्मूथ सरफेस रहेगा तो वहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में हर सरफेस पर कुछ ना कुछ अमाउंट में रफनेस पाई जाती है। कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या रहेगा, हर सरफेस पर रफनेस फाइंड आउट होगी। अब यदि देखो तो सिंपल, यदि हम फ्रिक्शन का एग्जांपल लेते हैं कि फ्रिक्शन का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज रहता है, तो यदि हम बात करें कि हम ग्राउंड पर चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, उन सब के पीछे का जो रीजन है, उन सब के पीछे का जो रीजन है अबाउट द वॉकिंग रनिंग, ठीक है, उन सब का रीजन क्या है, फ्रिक्शन। उन सब का पीछे का रीजन क्या है, फ्रिक्शन। उन सब के पीछे का रीजन क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक। अब मैं इस बोर्ड पर यदि कुछ भी लिख पा रहा हूं इस मार्कर की हेल्प से, इसके पीछे का भी रीजन क्या है, फ्रिक्शन है। इसके पीछे का भी क्या है, रीजन। राइटिंग ऑन द बोर्ड, इसके पीछे का भी रीजन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। इसके पीछे का भी रीजन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम बहुत सारे ऐसे काम है, यदि ये फोर्स नहीं होता तो हम उन कुछ काम को नहीं कर पाते, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से हम उन काम को कर पाते हैं। लेकिन फ्रिक्शन होने का एक नुकसान भी है, लेकिन फ्रिक्शन होने का क्या है, नुकसान है। अब यदि मैं किसी काम को बहुत ज्यादा अच्छे एफिशिएंसी से कर पाता था, लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, हर किसी काम में, चाहे कोई भी ले लो, वॉकिंग ले लो, रनिंग ले लो, या किसी भी काम में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है। किसी भी काम में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है। तो देखो कैसे, सपोज करो मेरे पास मार्कर है और इस मार्कर को मैं ग्राउंड पर क्या करता हूँ, स्लाइड करता हूँ। तो रियलिटी में यदि फ्रिक्शन नहीं होता, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये मार्कर कंटिन्यूसली ग्राउंड पर स्लाइड करता, ये मार्कर क्या होता, कंटिन्यूसली ग्राउंड पर स्लाइड करता। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, क्या कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद मार्कर रुक जाता है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होता है, मार्कर रुक जाता है, ठीक है। तो उस मार्कर को रोकने के पीछे का रीजन क्या है, फ्रिक्शन। उस मार्कर को रोकने के पीछे का रीजन क्या था, फ्रिक्शन फोर्स था। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यदि आप लोगों ने देखा हो, आप लगातार ग्राउंड पर चलते रहते हो, तो आप यदि कोई भी शूज सैंडल्स बाय करते हो और यदि लगातार चलते हो तो कुछ टाइम बाद क्या आपको दिखता है कि हमारी चप्पल है, जो सैंडल्स है वो नीचे से क्या हो गई है, घिस गई है। यदि आप बात करो कार के टायर्स का, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, 1 ईयर 2 ईयर, वो कार के टायर भी क्या हो जाते हैं, स्किडिंग करने लगते हैं। तब उनका बोलते हैं कि ये बिल्कुल क्या हो गए, स्मूथ हो गए, वो क्या हो गए, बिल्कुल स्मूथ हो गए। तो बियर एंड टीयर का प्रोसेस भी आता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में क्या होने लगता है, लगातार लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट में लॉस होता है। तो फ्रिक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हम फ्रिक्शन को बोल सकते हैं अबाउट नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, नेसेसरी इविल, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है जिसकी हमें जरूरत तो है, लेकिन यदि फ्रिक्शन फोर्स साथ में है तो हमेशा इसका कुछ ना कुछ लॉस रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स की हमें डेली लाइफ में नेसेसरी है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हमारा एनर्जी की फॉर्म में बोल सकते हो, वर्क बोल सकते हो, कुछ ना कुछ अमाउंट, चाहे किसी तरह का लॉस बोल सकते हो, जैसे टायर्स में, यदि कार बाइक्स में देखते हो तो टायर का क्या होता है, टायर धीरे धीरे बियर एंड टीयर से
खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कुछ ना कुछ लॉस करता है, लेकिन इसे हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की हमें क्या रहती है, नेसेसरी रहती है। तो हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता है, ठीक है। फ्रिक्शन अपोज मोशन, इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कि कैसे, यदि हमें एक सरफेस गिवन है, एक सरफेस गिवन, ठीक है। अब यदि यहां पर एक मैंने मास रख दिया एम मास, ठीक है, और मैंने इसको क्या दे दी, वी वेलोसिटी। इसको क्या दे दिया, वी वेलोसिटी दे दिया। तो इस वी वेलोसिटी की वजह से ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, कुछ डिस्टेंस, सपोज करो ये डिस्टेंस मूव करता है, उसके बाद ये किस पर आ जाता है, रेस्ट पर। उसके बाद ये किस पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। तो इसको रेस्ट पर लाने वाला कौन था, क्या फ्रिक्शन फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लग रहा था, एमजी। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, नॉर्मल। अब यदि इसकी वेलोसिटी को कोई डिक्रीज कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन कौन क्या था, फ्रिक्शन फोर्स। तो मैंने क्या लिखा है, फ्रिक्शन डजंट अपोज मोशन, इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब देखो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा, पहला ऑब्जेक्ट हो गया मास, फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, जो हमें बॉल गिवन है या कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है, और सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ग्राउंड। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ग्राउंड। अब यदि हम देखें तो ग्राउंड किस पर है, रेस्ट पर। ग्राउंड किस पर है, रेस्ट पर। और ऑब्जेक्ट के पास कितना वेलोसिटी है, वी। ऑब्जेक्ट के पास कितना वेलोसिटी है, वी। तो क्या है, इस पर क्या फोर्स अप्लाई हुआ, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ। तो फ्रिक्शन फोर्स उसके मोशन को अपोज नहीं करना चाह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसके मोशन को अपोज नहीं करना चाह रहा है। वो क्या जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो, फ्रिक्शन फोर्स क्या जा रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो। लेकिन हमें पता है कि अर्थ का वेलोसिटी इस केस में हमेशा कितना है, जीरो। अर्थ का वेलोसिटी कितना है, जीरो, क्योंकि ग्राउंड कैसा है, फिक्स है। इस ग्राउंड का वेलोसिटी कितना है, जीरो, क्योंकि ग्राउंड कैसा है, फिक्स। तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, इसका स्पीड को तो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता है, इसके स्पीड को तो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो फ्रिक्शन अपना क्या काम करेगा कि फ्रिक्शन उस बॉल को किस पर ले आएगा, रेस्ट पर। फ्रिक्शन उस बॉल को किस पर ले आएगा, रेस्ट पर ले आएगा, जिसकी वजह से बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उसकी स्पीड कितनी हो गई, जीरो। और ग्राउंड की भी स्पीड कितनी है, जीरो। ग्राउंड की भी स्पीड कितनी है, जीरो। तो दोनों में के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी, उस केस में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होती। क्या बात समझ में आई, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम रियल में देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अबाउट द फ्रिक्शन, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं अबाउट द फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो क्या गिवन होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम, और ये सरफेस है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्टेक्ट। ये क्या हो गई, कॉन्टेक्ट सरफेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन कब अप्लाई होगा, जब दो सरफेसों के बीच में क्या हो, कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स कब अप्लाई होता है, जब दो सरफेसों के बीच में क्या हो, कॉन्टेक्ट। यदि दो सरफेसों के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं है, यदि दो सरफेसों के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो यहां पर क्या होते हैं, बहुत सारी कॉन्टेक्ट लेयर होती है। यहां पर क्या होती है, रियल में बहुत सारी कॉन्टेक्ट लेयर होती है, वो एक दूसरे पर लगातार
अरेंज रहती हैं, वो एक दूसरे पर लगातार क्या होती है, अरेंज रहती है। अब यदि मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, अब मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो कॉन्टेक्ट लेयर है, ये जो कॉन्टेक्ट लेयर है, ये क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी। ये कॉन्टेक्ट लेयर क्या होंगी, सबसे पहले डिस्टर्ब होंगी। अब यदि इन कॉन्टेक्ट लेयर के बीच में फोर्स ज्यादा है, अब यदि इन कॉन्टेक्ट लेयर के बीच में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट है, तो क्या हमें इस मास को अपने प्लेस से मूव करने के लिए एक ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इस मास को अपने प्लेस से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि इन कॉन्टेक्ट लेयर के बीच में बहुत कम फोर्स है, यदि इन कॉन्टेक्ट लेयर के बीच में क्या है, बहुत कम फोर्स है, तो क्या हमें एक बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन्हें स्लाइड करने के लिए। तो तभी हम बोला जाता है कि हमें यदि एक अलमेरा गिवन हो, ठीक है, और एक हमें बॉल गिवन हो, और दोनों को हम लोगों ने सेम ग्राउंड पर प्लेस कर रखा है, दोनों को हम लोगों ने सेम ग्राउंड पर प्लेस कर रखा है, तो हमें बॉल को तो डिस्प्लेस करने में बहुत कम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, लेकिन क्या हमें इस अलमेरा को डिस्प्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, इस अलमेरा को डिस्प्लेस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ किसका जरूरत होता है, फोर्स का जरूरत होता है। तो यही फोर्स जो हमें रिक्वायरमेंट है, किसको, इस मास जो रेस्ट की कंडीशन है, ये मास जो किस पर है, रेस्ट पर, इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें जितना फोर्स चाहिए वही हमारा किसकी फॉर्म में आता है, फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्म में, वही हमारा किसकी फॉर्म में आता है, फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्म में, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं, यदि अब हम किस पर बात करते हैं, अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के यदि अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स, तो फ्रिक्शन को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या बोल सकते हैं इसके चार टाइप, इसके कितने टाइप्स हैं, फोर टाइप्स, ठीक। पहला इसका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड रहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेकंड कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड रहता है अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और फोर्थ रहता है रोलिंग फ्रिक्शन, फोर्थ कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो याद रखना इस चैप्टर के अंदर हम लोग तीन फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं इन द रोटेशनल मोशन, एक चैप्टर है इंडिविजुअली रोटेशनल मोशन, उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन, उसके अंदर हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो नोट कर लो यहां तक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, और फोर्थ नंबर होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इन तीन के बारे में हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर के अंदर, और जो लास्ट है रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इन द रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो यहां तक का कहानी समझ में आ गया, तो चलो उससे पहले थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा इसमें लिख लो पहले इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, दिस फोर्स इज अप्लाइड
दिस फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस when there is relative motion between two surfaces this force is applied between two contact surfaces when there is relative motion between two surfaces ठीक है और फ्रिक्शन की हेडिंग के साथ ही लिख लेना नेसेसरी यूनियन ठीक है हेडिंग के साथ ही लिख लेना नेसेसरी इवन फिर एग्जांपल लिखना फ्रिक्शन फोर्स का ठीक है राइटिंग ऑन द बोर्ड बाय मार्कर और चौक ठीक है वॉकिंग ऑन द रोड ये सभी क्या है फ्रिक्शन फोर्स के एग्जाम्पल है ये सभी क्या है फ्रिक्शन फोर्स के एग्जाम्पल है इसका इसमें नेक्स्ट लिखो ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज always some loss in efficiency due to this force there is always some loss in efficiency ठीक है इसके बाद इसमें एक और नेक्स्ट इसका डेफिनेशन लिख लो देयर इज अ फोर्स which is always required to overcome the state of rest ठीक है ये भी किसका डेफिनेशन हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन हो सकता है ये एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा रिक्वायर्ड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए और उसका मैंने एग्जांपल बता दिया था कि दो सरफेस रहती हैं उन कॉन्टैक्ट लेयर रहती है जब तक कॉन्टैक्ट लेयर एक दूसरे से मूव नहीं करेंगी
तब तक वो ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है, तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो भी किसी के किसके लिए आता है, फ्रिक्शन के लिए आता है। ठीक, इसमें नेक्स्ट लिखो, फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट, फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ, फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट, फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, तो देखो कैसे ये एक नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट होता है। सपोज करो ये सरफेस गिवन है, यहां पर एक मास रखा हुआ है एम, इसको हम लोगों ने कितना वेलोसिटी दिया वी, इसको हम लोगों ने कितना वेलोसिटी दिया वी। अब ये सरफेस कैसा है, रफ, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। ये सरफेस कैसा है, रफ। यदि ये सरफेस रफ है तो ये ग्राउंड किस पर है, रेस्ट पर। ये ग्राउंड किस पर है, रेस्ट पर, ग्राउंड इज एट रेस्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड को तो मूव नहीं कर सकता लेकिन ब्लॉक को क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो ये फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, क्या इधर की डायरेक्शन में, ये कौन सा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। अब यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर क्या लग रहा है, mg, तो क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही नॉर्मल, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में बताया था नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सभी किस टाइप के फोर्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सभी किस टाइप के फोर्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो क्या रिजल्टेंट इन दोनों का इस डायरेक्शन में आएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, एफ सी, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, इसे मैंने क्या बोल दिया, एफ सी, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया किसका, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स किसका कंपोनेंट हो गया, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का, एंड इट्स डायरेक्शन। अब इसमें एक और चीज लिखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज पैरेलल, और जो फ्रिक्शन है वो हमेशा किसके पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसके पैरेलल रहेगा, सरफेस के पैरेलल रहेगा। तो यदि यहां तक नोट किया है तो इसके बाद इसमें आगे क्या नोट करोगे, फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टेक्ट फोर्स विच इज पैरेलल टू सरफेस, विच इज पैरेलल टू द सरफेस, टू द सरफेस। ठीक है, तो ये नोट करो, फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज पैरेलल टू द सरफेस, नोट कर लिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यदि हम बात करते हैं किसका, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का, तो क्या नॉर्मल और फ्रिक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो देखो क्या एफ सी का वैल्यू ये आएगा, एफ सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एफ सी का वैल्यू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यही रहेगा वैल्यू। और जो एंगल है, और जो एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये फाइ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
बोलो बात समझ में आई। तो याद रखना नेट कॉन्टेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, एफ सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। फ्रिक्शन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कॉन्टेक्ट फोर्स, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कॉन्टेक्ट फोर्स क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किस किस के बीच में रहता है, एंगल बिटवीन नेट कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। हो गया, नेक्स्ट लिखो, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। हेयर म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और एन क्या रहता है, नॉर्मल फोर्स। एन क्या रहता है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस, बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, तो म्यू क्या हो गया, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमेशा सरफेस पर डिपेंड करेगा, कौन सा सरफेस कितना ज्यादा स्मूथ है, कितना ज्यादा रफ है, उस पर हमेशा किसका वैल्यू डिपेंड करता है, म्यू का। उस पर हमेशा किसका वैल्यू डिपेंड करता है, म्यू का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, और एन क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस। एन क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, तो नोट कर लो यहां तक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट डाउन करा रहा हूं अबाउट द फ्रिक्शन, तो उनको नोट डाउन करो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रिक्शन फोर्स, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। तो याद रखना जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है वो हमेशा किस पर इंडिपेंडेंट रहता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर। किस पर इंडिपेंडेंट रहता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द नॉर्मल फोर्स, ऑन द नॉर्मल फोर्स बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है उस पर भी क्या डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड लिखो, इट ऑलवेज
एक्स इन इट ऑलवेज एक्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसी में, एक और लिखो पॉइंट, क्या लिखोगे? इट इज ए मिसकंसेप्शन, इट इज ए मिसकंसेप्शन दैट इट इज ए मिसकंसेप्शन, इट इज ए मिसकंसेप्शन दैट that friction oppose motion, that friction oppose motion, it always oppose relative motion, ठीक है, इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव रिलेटिव मोशन, और इट ऑलवेज ट्राई टू कीप two objects together by accelerating or डी एक्सेलरेटिंग देन, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, वो हमेशा क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हमेशा उसको अपोज करता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या चाहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के साथ मूव करें, चाहे फ्रिक्शन फोर्स को क्या करना पड़े, किसी एक को एक्सेलरेट करना पड़े और दूसरे को क्या करना पड़े, डी एक्सेलरेट करना पड़े, ठीक। इसी में नेक्स्ट लिखो, इसी में है, कंटिन्यू करना है यहीं पे। इवन इफ two bodies get separated, then it doesn't give up and try to bring them together. तो यदि दो बॉडी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट भी हो जाते हैं, तब भी फ्रिक्शन फोर्स
क्या चाहता है कि ये दोनों बॉडी किसी ना किसी तरह से क्या आ जाए, कॉन्टेक्ट में आ जाए। लेकिन हमेशा याद रखना फ्रिक्शन फोर्स एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही पहुंच सकता है, उस मैक्सिमम वैल्यू से आगे फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, और वो वैल्यू कहां तक है, मैंने बताया था कि यदि हम उसे इसके स्टेट ऑफ रेस्ट से हटा दें, यदि हम क्या करें उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट से हटाने में हमें जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो उसका हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। किसका? फ्रिक्शन का। वो किसका वैल्यू रहेगा? फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पर, जो मैंने आप लोगों को लिखाए थे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। इन तीनों के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोल सकते हो, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है।